जनपद रामपुर शाहबाद नगर के जनहित कमला ईडन गार्डन के सभागार में आज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक जिलाध्यक्ष हसीब अहमद का जन्मदिन भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। कार्यकर्ताओं ने हसीब अहमद को 41वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनका फूल मालाओं से स्वागत भी किया। जन्मदिन के शुभ अवसर पर हसीब अहमद ने केक काटकर खुशी का इजहार किया और अपने शब्दों में कहा कि भारतीय किसान यूनियन हमेशा से ही किसानों के हक की लड़ाई लड़ती आई है और आगे भी किसानों के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। कार्यक्रम का संचालन गिरीश चंद्र पाठक ने किया तथा कार्यक्रम में प्रदेश सचिव दरियाव सिंह के साथ साथ राहत खान, अखलाक हुसैन, सरफराज, खुशी राम, नईम और वीरेंद्र यादव आदि उपस्थित रहे। जन्मदिन इन्होंने मनाया है और मुझे ताकत दी है, हौसला अफजाई की है। मैं अपने सभी सवाद के जितने भी मेरे पदाधिकारी हैं, मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे और उस पर उनकी लंबी उम्र करे और हमेशा उनका प्यार मुझे मिलता रहे और मेरे हौसले को बुलंदी मिलती रहे, जिससे मैं और अच्छे तरीके से किसानों की लड़ाई लड़ सकूं। ये आपके यहाँ कितनी किसान यूनियन है साहब? रामपुर कोई रोड जाम करने में बहुत बड़ा परिवार है। ये पहले एक ही किसान यूनियन थी, अब पूरा बहुत बड़ा परिवार है। और नहीं, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? लोग अपने हिसाब से संगठन से टूटते जाते हैं, बना लेते हैं। अब उसमें कुछ नहीं, अब आप देख लो, घर ही परिवार में है तो संगठन बड़ा हो जाता है, तो कोई बेटा कहना इस परिवार में से टूटते रहते हैं। मगर जो मुखिया है वो मुखिया ही रहता है और जो मुखिया से हटके लग जाता है कोई भी बेटा हो तो वो कोई तरक्की नहीं कर पाता। बहुत ही ईमानदारी। उनको अनुमति कहाँ से मिलती है? बाकी को कोई अनुमति नहीं मिलती, बस बाबा टिकैत की टोपी लगाकर अपना संगठन, वही बाबा टिकैत की टोपी लगाकर अपना संगठन चलाते हैं। नाम उन्हीं का ही है, टोपी बाबा टिकैत की है। उनका अपना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, बस बाबा तवीज सर पर ओढ़ के और उसका वो काम करते हैं। बेहतर अब कोई अच्छा काम करता है तो ठीक है, हम उसकी हौसला अफजाई भी करने के लिए तैयार है। जो बेहतर अगर गलत काम करता है और या दलाली करता है बाबा टिकैत की टोपी के बीच में उड़ के, तो वो समाज के लिए भी घातक है और किसानों के लिए भी घातक है।